Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to start a next operator, that is logical operator. So first of all, we are going to see AND operator. So AND operator return true if both the statements are true. जो AND operator होता है, that is a logical operator and it gives the result in the form of true or false. Okay. When it makes the decision logically. So the AND operator returns always in true or false. True means 1 and false means 0. So AND operator says that return true if both the statements are true. अगर दोनों ही statement true होंगे तभी वो return करेगा true output में. अगर इसमें से एक भी statement false हो जाता है तो वो return करेगा false. If any one of the statement is false, then it returns the false output. And when the both the statements are true, then it will return the output true. Consider the following example here. A is equals to 5. That means A have a value 5 and B also have a value 3 and X also have a value 7. Here I am taking 3 variables. And 3 variables store some type of values, and that is an int. Okay, now print statement is used to print the output, and I am here given some conditions, some logical conditions. So A, तो A के पास क्या value है? 5. Okay, B के पास value क्या है? 3. एंड ऑपरेटर. अब यहाँ क्या लग गया है, ज्वाइन कैसे कर दिया हमने एंड ऑपरेटर के साथ. बी की वैल्यू है 3 और 3, राइट. और एंड ऑपरेटर के क्या कंडीशन होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू होने चाहिए. दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होने चाहिए, देन इट बिकम्स ट्रू. ओके, और एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है और अनदर स्टेटमेंट फॉल्स होता है, देन द स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. ओके, सो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है. अगेन अब इसमें देखते हैं कि बी की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू तो 3 है. कंपेयर जैसे करें, यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है यहाँ पे. तो ए ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स 5 ग्रेटर देन बी, राइट. ट्रू है कंडीशन. देन बी ग्रेटर देन 3, बी 3 है और ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट. दिस इज नॉट अ ट्रू. इन केस अगर यहाँ पे हो जाता इक्वल साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन इट बिकम्स ट्रू. बट नाउ हियर द कंडीशन इज बी ग्रेटर देन 3. तो b greater than 3 है तो क्या हो गया कि ये false हो गया. b को और बड़ा होना चाहिए था इस condition में, 3 के बराबर नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, यहाँ हमें b बड़ा होना चाहिए था. तो ये condition क्या हो गई, false हो गई. So it will display the output here false because this condition is enclosed under the print statement. Now x greater than a, x greater than a, that means x की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 5 है, राइट. टू स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट सेकंड. एंड टू जॉइन दिस टू कंडीशन विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू मेक अ डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल वे, लॉजिकल वे. सो दैट्स व्हाई इट गिव्स अ आउटपुट आइदर इन ट्रू और फॉल्स. When it will become true, it becomes true when both the conditions are true, and it becomes false when both the conditions are false. Okay, so x greater than a, x greater than b. अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये तो condition true हो गई, that is true. This condition is true or not? X की value है हमारे पास 7, b की value है हमारे पास 3. तो जब x की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो x बड़ा है, दैट मींस ट्रू हो गई कंडीशन.
अगेन अब हम देखते हैं x is equals to 7, a is equals to 5, ओके अब इक्वल है क्या? नहीं है। x की वैल्यू, दिस इज अगेन द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज अगेन द सेकेंड स्टेटमेंट, x इज इक्वल्स टू 7 है और b इज इक्वल्स टू 3, ओके b इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या ट्रू है? नहीं है, ये फॉल्स है क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 7 होता b की, और अगर यहाँ पे a 7 होता, यहाँ b 7 होता, तो ये ट्रू हो जाती, बट नाउ दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि x 7 है और a 5 है और x 7 है b 3 है, तो ये आपस में, ये ना तो ये कंडीशन पूरा का पूरा स्टेटमेंट इक्वल हो रहा है, ना ये स्टेटमेंट इक्वल हो रहा है, इसमें एंड ऑपरेटर हो रहा है, तो ना तो ये फॉल्स आ रहा है हमारे पास और ये भी फॉल्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। अब देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट अगेन कि x लेस देन इक्वल्स टू a, x लेस देन इक्वल्स टू a, यानी कि x की वैल्यू है यहाँ हमारे पास 7, ओके यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 7 तो बड़ा है और इक्वल भी नहीं है a के, तो ये कंडीशन गलत हो रही है ना। इसमें क्या बोला है कि x लेस देन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लेस देन होना चाहिए थी वैल्यू और a बड़ा होना चाहिए था, पर कंडीशन यहाँ क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी फॉल्स। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x हमारा बड़ा है इक्वल्स टू b है, x हमारा बड़ा है इक्वल्स टू b है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 7 है और b की वैल्यू क्या है 3 है, ओके तो x की वैल्यू अगर 7 है और b की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ले ये तो ट्रू हो रहे है क्योंकि x तो बड़ा है ही 3 से, 7 बड़ा है 3 से, तो ये ट्रू हो रहा है, बट दिस स्टेटमेंट फॉल्स, दिस स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए तब हमारी कंडीशन एंड की फॉलो होती है, तो ट्रू आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये आंसर देगा हमें फॉल्स। अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट में अगेन कि x नॉट इक्वल्स टू a, x की वैल्यू वही 7, a की वैल्यू 5, x की वैल्यू 7 नॉट इक्वल्स टू b, b की वैल्यू 3, x नॉट इक्वल्स टू a के, राइट नहीं है ट्रू, x नॉट इक्वल्स टू b नहीं है ट्रू, सो इट फॉलोज द एंड कंडीशन, ट्रू ट्रू ट्रू, सो दिस इज द एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ वी कम ऑन टू द और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। और ऑपरेटर सेज दैट इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो ये आउटपुट पे रिटर्न करेगा ट्रू। लाइक अगर आपके पास कोई कंडीशन है, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है, ओके और बीच में क्या है और ऑपरेटर है, तो ये क्या दे देगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, दिस इज इन और ऑपरेटर में, ये और ऑपरेटर की बात हो गई। प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि ट्रू ट्रू होना चाहिए, वो हो जाता है ट्रू। अब कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल हियर, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 7, प्रिंट a की वैल्यू है हमारे पास 5, b की वैल्यू है हमारे पास 3 और ऑपरेटर b की वैल्यू है हमारे पास 3 और ये तो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमने 3। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट,
दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट, राइट? दिस इज अ सेकेंड स्टेटमेंट. टू फाइव तो बड़ा है थ्री से. ए इज ग्रेटर देन बी, देन इट इज ट्रू. बी थ्री है, ये फॉल्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कंडीशन चाहिए, इक्वल. या तो बी बड़ा बोल रहा है, तो बी या तो फोर हो, यहाँ पे बी फोर होना चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या इक्वल कंडीशन होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी. तो ये कंडीशन को निगेट कर रहा है, ये फॉल्स हो रहा है ये. अब ये ट्रू और ये फॉल्स, सो इट बिकम्स ट्रू. और बीच में क्या है, और ऑपरेटर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स ट्रू. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में है ए की वैल्यू 5, सो पुट द वैल्यू हियर, ए की वैल्यू 5 एंड एक्स की वैल्यू 7. अब एक्स की वैल्यू 7 है, सो एक्स इज ग्रेटर देन 5 फॉर इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, यस दैट्स ट्रू. और ऑपरेटर कंडीशन लगी है, दैट मींस दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो आंसर ट्रू में आएगा. अब एक्स की वैल्यू क्या है, 7 है, और बी कितना है, 3 है. अगेन इट बिकम्स ट्रू. अब दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है, तो ये भी चल सकता है. तो ये भी ट्रू हो गया, इसका आंसर ट्रू आ गया. अब थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं. इसमें एक्स इक्वल इक्वल्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 7. ए की वैल्यू क्या है, 5. अगेन एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, और बी की वैल्यू क्या है, 3, राइट? सो एक्स इक्वल इक्वल्स टू ए, इक्वल्स मींस ये कंपैरिजन के लिए है. एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी, द वैल्यू दैट इज इन द वेरिएबल इज इक्वल और नॉट व्हेन वी कंपेयर दीज टू वेरिएबल्स व्हिच स्टोर सम टाइप ऑफ वैल्यूज. तो x इक्वल है ही नहीं, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो रहे हैं. तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. अगेन x की वैल्यू 7 है, और जब x की वैल्यू 7 है तो इसमें क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल्स टू a. अब x लेस देन इक्वल्स टू a, a में क्या आ गया, 5 आ गया. और x में हमने देखा 7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b 3, ठीक है. तो ये तो कंडीशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि x हमारा लेस देन होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा है, और ए हमारा बड़ा होना चाहिए. तो ये तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है और ये छोटा है, तो ना तो ये इक्वल हो रहा है ना ये ग्रेटर देन हो रहा है. तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई. और सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं कि एक्स 7 बड़ा है, या तो बड़ा हो और इक्वल्स टू, या तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तब भी चलता. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो ये 3 हो गया. तो अब ये कंडीशन ट्रू है, तो एनी वन कंडीशन इज ट्रू, देन इट फॉलोज द एंड और ऑपरेटर. सॉरी, अगर इस एक कंडीशन कोई भी ट्रू हो जाती है, देन इट फॉलोज द और ऑपरेटर, तो आउटपुट इज ट्रू. अब x नॉट इक्वल्स टू a, अब जो x है वो नॉट इक्वल्स टू है a के, और x not equals to b, तो x की वैल्यू क्या है, 7 है, और a की वैल्यू क्या है, 5 है, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है. तो नहीं है, not equal है, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आंसर इज ट्रू. सो दिस इज द और ऑपरेटर. Thank you. We will see the next operator in the next lecture. Thank you. So please stay safe at your home during coronavirus and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest update. And if you want to see the previous videos of Python, so click on to the I button. Thank you.